हाय एवरीवन, फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सबका स्वागत है। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूँ कि आप झारखंड बिजली बिल वितरण निगम का यूजर आईडी और पासवर्ड किस प्रकार से लेंगे। दोस्तों, अगर यूजर आईडी पासवर्ड आप ले लेते हैं तो यहाँ पे सो नया कनेक्शन आप ले पाएंगे। किसी प्रकार का कनेक्शन करना हो, चाहे नाम चेंज करना हो, मोबाइल नंबर चेंज करना हो, वो भी कर पाएंगे। और साथ साथ दोस्तों, अगर आप यूजर आईडी पासवर्ड ले लेते हैं तो अगर आपका बिजली बिल ज्यादा आ गया तो उसे भी मैनेज कर पाएंगे और चेक कर पाएंगे कि आपका बिजली बिल ज्यादा कहाँ पे आया हुआ, ठीक है, मैनेज भी कर पाएंगे। तो इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि झारखंड बिजली बिल का यूजर आईडी पासवर्ड किस प्रकार से आप क्रिएट करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जान लेते हैं और सीख लेते हैं कि आप झारखंड बिजली बिल का यूजर आईडी और पासवर्ड किस प्रकार से लेंगे। टोटल फ्री है दोस्तों, यहाँ पे जो भी काम करना चाहेंगे आप इजी वे में कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपके पास फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी ब्राउजर होगा उसे ओपन करके यहाँ पे आपको टाइप करना है JBVNL। जैसे दोस्तों JBVNL आप टाइप कर देंगे, उसके बाद सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद यहाँ पे डायरेक्टली जो ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। अगर दोस्तों आप मोबाइल में खोल रहे होंगे, ओपन करते होंगे, तो सबसे पहले उसे डेस्कटॉप साइड में कर लीजिएगा। जैसे कॉर्नर को 3 डॉट लाइन पर क्लिक करना, इधर डेस्कटॉप साइड नजर आ जाएगा, आप डेस्कटॉप साइड पर कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाता है, इसका डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर क्लिक करके दोस्तों यहाँ तक आप पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड लेना है, इसके लिए देख सकते हैं आपके पास तीसरा नंबर ऑप्शन नजर आता होगा, कंज्यूमर सर्विस, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको नजर आ रहा है कंज्यूमर सर्विस, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों कर्सर ले जाएंगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं अगर आप क्लिक भी करते हैं तब भी देख सकते हैं काफी सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं आपको नजर आता है न्यू कनेक्शन, ठीक है, आपको न्यू कनेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों न्यू कनेक्शन के ऊपर आप क्लिक करते हैं तो देख सकते हैं आपको दो ऑप्शन यहाँ पे खुल कर जाते हैं, दो कनेक्शन है दोस्तों। यहाँ पे सुविधा पोर्टल, यहाँ पर सुविधा पोर्टल में उन्हीं लोगों जाएंगे दोस्तों जो न्यू कनेक्शन लेना चाहते हैं या तो मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। जो नॉर्मल पर्सन है वो यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर चेंज करना, न्यू कनेक्शन लेना। और दूसरा दोस्तों न्यू कनेक्शन इसमें वैसे लोग आते हैं दोस्तों जो कोई फॉर्म वगैरह चलाते हैं, कोई कंपनी वगैरह चलाते हैं, जो बड़े कंपनी के लिए। और दूसरा दोस्तों, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बिल का वगैरह का आपके पास लाइसेंस है, आप इलेक्ट्रिक वगैरह काम किए हैं, कुछ आपके पास जानकारी लाइसेंस वगैरह, तो आप सेकंड नंबर में जाइएगा, ठीक है। अगर आप नॉर्मल पर्सन है तो आपको सुविधा पोर्टल पर ही जाना होगा। अगर आपके पास बिजली विभाग वगैरह का लाइसेंस वगैरह है, या तो बड़े फॉर्म आप चलाते हैं, जैसे कि आप बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं, या तो फिर बिजली का ज्यादा आप खपत करते हैं, आपके पास कोई ऐसी दुकान है या फॉर्म वगैरह है, तो इसके लिए आपको न्यू पर जाना होगा, न्यू कनेक्शन दूसरा पर जाना होगा, ठीक है। एक बार जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं दूसरा नंबर पर मैं क्लिक करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं न्यू कनेक्शन पर मैं जाता हूँ, न्यू कनेक्शन पर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास एक नया पेज आ जाता है, यहाँ पर आपको न्यू रजिस्टर पर जाना है। न्यू रजिस्टर पर जाने के बाद देख सकते हैं सेलेक्ट यूजर कैटेगरी, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास नजर आ जाएगा इन्वेस्टर। इन्वेस्टर मतलब जो बड़े बड़े कंपनी चलाते हैं उसके लिए, कंपनी के लिए, फर्म के लिए है, उसके बाद LLP के लिए है, या तो फिर यहाँ पे आपको सोसाइटी के लिए, ट्रस्ट के लिए, कोई ट्रस्ट वगैरह चलाते हैं उसके लिए। और दूसरा दोस्तों, अगर लाइसेंस टेक्निकल पर्सन है, अगर आप झारखंड बिजली बिल या किसी भी बिल विभाग का आप लाइसेंस आपके पास है तो आप इस पे चुन जाइएगा, ठीक है। अगर आपके पास ये सुविधा है तो आप नीचे वाला पर जाइएगा, अगर नहीं है, नॉर्मल पर्सन है, तो आपको पहला वाला ही ऑप्शन पर आपको चले आना है। देख सकते हैं सुविधा पोर्टल, दोनों में किसी को आप ले लीजिए, दोनों से एक ही काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा इसमें ज्यादा जाता है कि आपके पास ट्रस्ट वगैरह रहता है, बड़े बड़े कंपनी होते हैं आपके पास, तब कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल से आपको पहला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हैं आपके पास इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे यूजर आईडी और यहाँ पे पासवर्ड मांगा जाता है। तो आपके पास अभी नहीं है, आपको लेना है, तो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए नीचे आ जाना है दोस्तों, नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा एक ऑप्शन, आपके पास नजर आ रहा है न्यू यूजर, ठीक है। देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ रहा है न्यू यूजर, इसी के ऊपर आपको क्लिक करना। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे वेबसाइट खुलकर आ चुका है, यहाँ कुछ डिटेल आपको फिल करना हो। डिटेल फिल करने के बाद यहाँ पे आप यूजर आईडी और पासवर्ड ले लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले डिटेल में मैं आपको बताऊँ, सबसे पहले अपना फर्स्ट नाम लिखिएगा, जो भी आपका नाम होगा वो लिखिए। उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट नाम देना, जो आपका लास्ट नाम है वो टाइप कीजिए। उसके बाद दो ही ऑप्शन यहाँ मेन होता है, पहला दोस्तों आपका ईमेल आईडी, आपको ईमेल आईडी सही से लिखना है, इसी पर आपका यूजर आईडी पासवर्ड आएगा। और दूसरा दोस्तों मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर को भी आपको सही से लिखना है, दोनों पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आता है, तभी आप लॉग इन कर पाएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नजर आता होगा, डिस्ट्रिक्ट आपको सिलेक्ट करना। उसके बाद यहाँ पे आपको आई एम नॉट प्रोवाइड के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपको मैंने डिटेल समझा दिया, तो आप यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे मोबाइल नंबर जो वैलिडेट होगा, जो सही होगा, वो यहाँ पे आप टाइप कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इतना डिटेल फिल कर देता हूँ, उसके बाद आगे का जो प्रोसेस होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख लिया, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम लिख लिया। उसके बाद देख सकते हैं जो मेरा ईमेल आईडी है, यहाँ पे आपको सही से ईमेल आईडी देना है, उसके बाद आपको मोबाइल नंबर भी सही से देना है। दोनों पर दोस्तों आपका यूजर आईडी और पासवर्ड भेजा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हुए, आपको यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिख लेना है। उसके बाद देख सकते हैं नीचे आपको नजर आता है आई एम नॉट रोबोट, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आई एम नॉट रोबोट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता होगा रजिस्टर, यहाँ पे देख सकते हैं आपको रजिस्टर के ऊपर आपको क्लिक करना है।
जैसे दोस्तों आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं एक पॉपअप विंडो यहाँ पे आपके पास आ जाता है, सो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास लिखा हुआ नजर आ जाता है झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड। उसके बाद नीचे देख सकते हैं आपके पास नजर आता है क्रिएटेड अकाउंट, ठीक है, अकाउंट क्रिएटेड हो चुका है, लॉग इन क्रिएशन एल्सो सेंड टू मेल, ठीक है, आपका जो यूजर आईडी पासवर्ड आपके मेल पर भेज दिया गया, SMS आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया। अब उस आपके मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को आपको चेक करना है, उसमें देखिए एक SMS आया हुआ, SMS में आपका यूजर आईडी पासवर्ड भेज दिया गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे टाइप करना होगा, उससे पहले यहाँ देख सकते हैं आपको पास नजर आ जाएगा क्लिक हियर टू फॉर लॉगिन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे दोस्तों इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके फोन पे आप देखिए एक SMS आया होगा, आपके ईमेल आईडी पे एक SMS आया होगा। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना स्क्रीन शॉट लगा दिया, जो हमारे फोन नंबर पर मैसेज आया सेम है दोस्तों हमारे ईमेल आईडी पर भी आ गया, यहाँ पे फोन वाला जो मैसेज है यहाँ पे लगा दिया। और यहाँ पे देख सकते हैं आपको नजर आता होगा वेलकम टू JBBN, आपके पास सेम मैसेज आएगा। यूजर नेम देख सकते हैं, यूजर नेम आपको जो स्क्रीन पर शो हो रहा है सेम यूजर नेम को आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। उसके बाद नीचे जो पासवर्ड आपका नजर आ रहा है देख सकते हैं पासवर्ड 32206, सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। आपके पास भी मैसेज आ जाएगा, तो मैसेज में आप चेक कीजिए, उसके बाद यहाँ पर आपको फिल करना होगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास नजर आता है आई एम नॉट रोबोट, आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना, उसके बाद आपके पास लॉगिन आ जाता है, लॉगिन पर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों जो यहाँ पर स्क्रीन पर जो यहाँ पे मैसेज में आया हुआ यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिल करता हूँ, उसके बाद जो आगे का प्रोसेस होता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे दोस्तों स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारे फोन नंबर पे मैसेज आया हुआ था उस मैसेज में यूजर नेम लिखा हुआ है यहाँ पे भर दिया हूँ, उसके बाद जो पासवर्ड नजर आ रहा था पासवर्ड भी फिल कर दिया। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे आपको आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद नीचे आपको लॉगिन नजर आता है, लॉगिन के ऊपर क्लिक करें। जैसे दोस्तों साइन इन पर ऊपर क्लिक करेंगे, साइन इन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके पास एक नया पेज आता है, नया पेज में देख सकते हैं काफी सारा इंटरफेस है। और जैसे दोस्तों आप यूजर आईडी पासवर्ड बना लेते हैं यहाँ पे काफी सारा काम कर सकते हैं, मैं बारीकी सबको समझा देता हूँ। उससे पहले दोस्तों जो आपका पासवर्ड आया हुआ उस पासवर्ड को आपको चेंज करना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए दोस्तों देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर कॉर्नर में आपका देख सकते हैं सबसे पहले आपका नाम लिखा हुआ नजर आ जाएगा, नाम लिखा हुआ दोस्तों इसी देख सकते हैं आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे देख सकते हैं आपके पास ऑप्शन आ चुका है चेंज पासवर्ड, तो आपको एक बार पासवर्ड चेंज करना है, अपना पासवर्ड यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। यूजर नेम वगैरह वही रहेगा लेकिन पासवर्ड यहाँ पे आपका चेंज कर लेना, अपना पासवर्ड खुद का एक बना लेना, ठीक है। पासवर्ड चेंज कर सकते हैं काफी इजी, चेंज पासवर्ड क्लिक कीजिएगा, नया पासवर्ड टाइप करके कर लीजिएगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ काम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे रिक्वेस्ट में आ जाइए, आ जाने के बाद देख सकते हैं यहाँ पर न्यू कनेक्शन ले सकते हैं, यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था नाम चेंज करने वगैरह का, यहाँ कनेक्शन ले सकते हैं, लोड चाहिए ज्यादा बिजली वगैरह या कम बिजली वगैरह लेना है तो यहाँ से ले पाएंगे, ठीक है। उसके बाद पेमेंट हिस्ट्री में आकर काफी सारा काम है, सर्विस आएंगे दोस्तों काफी सारे यहाँ पे काम आपके पास आ जाता है, ठीक है। सर्विस में देख सकते काफी सारा काम है, कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं यहाँ पे, जो अपडेट सिक्योरिटी डिपोजिट है उसे भी देख सक पाएंगे, और इधर भी काफी सारा ऑप्शन है, यहाँ भी काफी सारा काम है। तो सबसे पहले अपना यूजर आईडी पासवर्ड ले लीजिए, उसके बाद जो भी काम करना होगा यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। काफी सारा डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करना वो भी यहाँ पे काम कर पाएंगे। तो बारीकी से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको समझा दूंगा हर काम को किस प्रकार से करना है। अगर किसी भी कंफ्यूजन कमेंट कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई देता जाऊंगा। तो यहाँ तक दोस्तों आशा करता हूँ आपने अभी तक यूजर आईडी पासवर्ड बना लिए होंगे, पासवर्ड भी चेंज कर लीजिएगा, उससे बाद जब भी जो काम करना होगा यहाँ सब कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ इस वीडियो में दोस्तों मैंने कंप्लीट जानकारी दे दिया कि अब झारखंड बिजली विभाग में आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड किस प्रकार से बनाएंगे। तो यहाँ तक दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आप अपना बिजली विभाग में अपना यूजर आईडी पासवर्ड बना लिए होंगे। मैं दोस्तों हर टॉपिक के ऊपर वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में कवर करता जाऊंगा किस प्रकार से रिक्वेस्ट डालना, किस प्रकार से पेमेंट स्टेटस, किस प्रकार से सभी हर टॉपिक पर मैं वीडियो लाता रहता हूँ दोस्तों। तो इसके लिए अगर वीडियो पाना चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नीचे आपको रेड कलर सब्सक्राइब का बटन मिल जाएगा उस पर क्लिक कर दीजिएगा, बेल घंटी भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाला हर नेक्स्ट वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके।